कि मैं बात करूं उस मालखा विधानसभा की, अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सचिन पायलट यहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिएगा उनके चाहने वालों की भीड़ जो है सुबह से ही लगी हुई है। ये देखिएगा काफ़ी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से यहां पर लोग आ रहे हैं। ये देखिएगा, हाँ नमस्ते जी, नमस्कार। क्या नाम हो गया, एक मिनट रुक जाइए, क्या नाम हो गया जी? कहाँ से आए हैं? बापोली से। बापोली से आए हैं। क्या लगता है आज सचिन पायलट जी आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, कैसा होगा चुनाव का फिर माहौल? भाई ऐसा है, हमारे एरिए में धर्म सिंह छोकरी है, हम शुरू से 15 साल से इसके साथ लगे हुए हैं। अच्छा, इनके साथ है जी। क्या नाम हो गया आपका? सुरेंद्र बापोली। बापोली से है आप? क्या कहना चाहेंगे, सचिन पायलट जी आने वाले हैं, कैसा प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया, धर्म सिंह छोकर की इतनी टेढ़ी रैली हमने देखी थी। अच्छा, तीसरी बार बनेगा ये? एक मिनट बेटा, एक मिनट। बढ़िया, कोई नेता नहीं है हमारे एरिया में। सात बस छोड़ रखी बापोली में। कितनी बसें छोड़ रहे? सात। आप लोग किसी नेता ने निकाल? अच्छा, एक बात बताइएगा, आप बता रहे हैं कि धर्म सिंह जी की यहाँ पर जो है इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन मनमोहन सिंह पठाना की भी बहुत भारी रैली देखी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मनमोहन सिंह पठाना कुछ नहीं है, झूठी अफवाह सब। किराए पर लोगों को ले आता है? अरे नहीं नहीं, किराए पे कहाँ लेके आए थे, उनके चाहने वाले। 500 रुपये दिए लोगों से, बापोली में ही दिए, बोले रैली में चलो। बापोली में दिए हैं? दिए 500 रुपये। तो आपने नहीं लिए? नहीं लिए, हम धर्म सिंह खुश है। क्यों नहीं लिए आपने? अरे हमने नेता चाहे संचन दे। अच्छा, नेता चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, हमने नेता चाहिए। धर्म सिंह जी के साथ है? धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद, दिल से साथ, दिल से। 66 छोरे तो बापोली में लुआ इसने। अच्छा, इसके ऐसा नेता होना नहीं है, इस जैसा नेता नहीं, दूसरा नहीं, कोई नहीं ऐसा जैसा नेता। जी जी जी, क्या नाम हो गया जी आपका? बरा सिंह जी। कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से। क्या कहना चाहेंगे, सचिन पायलट जी आने वाले हैं, कैसा प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? हम तो ये बात कहना चाहूंगा, एक तीन कैंडिडेट है, रविंद्र मछोली बढ़ाना रही है जी। ना बढ़ाना टो पंद्रह, ना रविंद्र पंद्रह टो किसी ने होया नहीं पाएगा। और दुख सुख में धर्म सिंह, इसका भाई कौर सिंह 24 घंटे संभाल के भरो है, दिन में काम पड़ो रात ना काम पड़ो गला खड़े हो जाए। ये दोनों खड़े रहते हैं साथ? हाँ, साथ में खड़े रहते हैं, हम पार्टी को नहीं, हम धर्म सिंह को वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ऐसी भीड़ पहले देखी है कभी? नहीं, कभी नहीं देखी हमने। अच्छा, और ये माने अपने दिल से आ रहे हैं सभी? मतलब दिल से आए हैं धर्म सिंह के लाड में, प्यार में, काम देख कर। जितने काम इन्हें करे आज तक, जितने काम इन आज तक करे हैं, अब छत्तीस बिरादरी के, इनके अंदर कोई ना जातिवाद ना कोई धर्मवाद है, सबके लिए 24 घंटे गरीब अमीर सबके लिए खड़े भाव है। अच्छा, एक बात बताइए, सचिन पायलट जी आएंगे तो गुजरों में क्या प्रभाव पड़ेगा फिर सचिन जी का आने का? लीडर है कांग्रेस पार्टी के, असर तो पड़ेगा, असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। लेकिन मनमोहन सिंह बढ़ाना भी है? मनमोहन सिंह बढ़ाना, इसके पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, इसके पिताजी गुजर गए थे, तो ये नजर चुनाव लड़े हैं खिलाफ, तो ये मनमोहन सिंह बढ़ाना गुजर अपना लीडर नहीं मानते। अच्छा, ये सिर्फ धर्म सिंह को अपना लीडर मानते हैं। तो धर्म सिंह जी को इस बार जिता रहे हैं? हाँ, सरकार है। अच्छा अच्छा, कारण क्या है इस बार धर्म सिंह जी को जिताने का, कारण क्या मानते हैं? ये 24 घंटे आदमी के पास खड़े रहते हैं, 24 घंटे दिन में फोन करो, रात में फोन करो, दुख सुख में जी में मिल जाते हैं। पक्की बात बताइए? पक्की बात है, कोई पार्टी बाजी नहीं, हम धर्म सिंह लाड में आ रहे, लाड में आए हैं। हाँ, धर्म सिंह लाड में आ रहे और इसको मनाओगे। अच्छा, बनाएंगे जी, आ जाइए। आपका क्या नाम है? मुझे भी बना देंगे। क्या नाम है? सतपाल। सतपाल जी कहाँ से आए? डिकाटला से। डिकाटला से आए हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, सचिन पायलट जी भी आ जा रहे हैं, क्या प्रभाव है चुनाव पर? मैंने वाला जी नंबर वन पर आओ, धर्म सिंह चौकर संभाल का हल्के में, विकास में भी और तरक्की में भी, धर्म सिंह चौकर जैसा नेता है ही नहीं संभाल के हल्के के सिवा। धर्म सिंह जैसा नेता नहीं है? धर्म सिंह जैसा नेता नहीं है यहाँ पे कोई भी। मनमोहन बढ़ाना और भी तो है, ये तो 10 बजे तक पीछे छूट जाएंगे जी। 10 बजे? 10 बजे तक पीछे छोड़ देंगे ना तो हम। ऐसा क्या भाई साहब, 10 बजे पीछे छोड़ रहे हैं? हम लोग आ रहे जी 10 बजे तक का, हमारा माहौल इतना तगड़ा है, धर्म सिंह छोकर का तय दिल से करके आदमी आ रहे हैं तकरीबन सारे, अपना घर का मैन का, अपना संभाल का हल्का, हमारा क्षेत्र हमारा संभाल का है, तो हम अपने संभाल के विकास के लिए धर्म सिंह छोकर को चाहते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, भीड़ कितनी आ सकती है आज अंदाजा? अपने ना यहाँ पर वहाँ टेकने के लिए राह भिंड रहा जी। अच्छा, इतनी भीड़ जमेंगे जी। वो टक्कर किसके बीच मानते हैं धर्म सिंह जी की? धर्म सिंह की फुल गढ़ धर्म सिंह है, एक ही है, एक ही तरफ ही।
एक तरफा बता रहे एक तरफा माहौल बन गया जी। तो बाकी वो भी तो है ब्राह्मण समाज ने सारे ने जो इसको जो सपोर्ट करी है ब्राह्मण समाज ने अपना समर्थन दिया है, इससे और जागरूक हो चुके हैं पब्लिक और नंबर वन पे धर्म सिंह चौक पर कोई मनाओ नंबर वन पे रहेंगे। प्रभाव पड़ेगा ब्राह्मणों का जो समर्थन मिला बहुत बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और डिप्टी सीएम बनेंगे धर्म सिंह चौक पर। डिप्टी सीएम भी बना रहे हैं? हाँ जी। तो विधायक में काम नहीं चलेगा? विधायक डिप्टी सीएम जी, हर बार विधायक बनने से नहीं डिप्टी सीएम बनाना जी। अच्छा। हाँ डिप्टी सीएम होगा हरियाणा का विकास अपने संभाल के का विकास भी होगा हरियाणा को एक मान सम्मान लेकर चलेंगे जी। अच्छा। हाँ विधायक बनने से अब काम नहीं चलने वाला, डिप्टी सीएम बना। डिप्टी सीएम जी, आपका क्या नाम है भाई? मैं यूपी से हूँ। हाँ क्या नाम होगा भाई का? वासित भाई। कहाँ से आए आप? गड़े बैठ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आज भाई? पायलट जी आने वाले हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा चुनाव पर? भाई 1.25 लाख तक जीत होगी धर्म सिंह चौकर की। 1.25 लाख तक? बहुत बड़ा आंकड़ा भाई साहब 1.25 लाख का। कोई दिक्कत नहीं है यार, इस बार ना दिल दे आदमी यार। हाँ। लगता है जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे यार 100% के। यार और भी तो खड़े हैं, और भी तो बहुत सारे हो रहे, 10-10, 15-15 हजार वोट आएंगे सारे भाई। सिर्फ 10-15 पे समेट रहे हैं। एक बात तो 10 साल पहले रह गया बढ़ाना, आजला भी काम निकला, रविंद्र मजरोलिया रह गया, आजला काम करे नहीं अगले ना काम में बढ़े आने का घड़ी। धर्म सिंह जी ने क्या कर दिया भाई? धर्म सिंह ना भाई जिब भी जावा जिब भी काम करे अगला घड़ी भेजक में घड़ी भेजक चमका रहा क्या ना भाई? चमका दिया है। हाँ चमका दिया ना। तो मन है इस बार? मन है यार, जीतेगा 100%, 1.25 लाख तक जीतेगा। लेकिन रैलियां तो बड़ी बड़ी दूसरे कैंडिडेट भी कर रहे हैं। परसों इतनी तगड़ी रैली हुई मेरे भाई, 25,000 आदमी थे वहाँ। अच्छा। हाँ लेकिन दूसरे कैंडिडेट भी तो रैलियां कर रहे हैं, उनमें भी तो भीड़ काफी दिखाई देती है। अरे कुछ नहीं आवे तो मराड़म तक जा रहे हैं, मैं भी मराड़म तक जा रहे हैं, तो आदमी तो कान के मारो यूपी तक आदमी बुला रहे थे ना। किसने? रविंद्र मजरोलिया ने। अच्छा। नुआता प्रोग्राम है आज का, यूपी तक मोटरसाइकिल कार है। बाहर तो आदमी है रे भाई, बाहर तो आदमी बुला रहे ना। और धर्म सिंह जी के इसके इसकी प्रोग्राम में? अरे इसके तो घर के ही है सारे आदमी, इसके सारे घर के। और चलिए चलिए, आपका क्या नाम है भाई जी? मेरा करम है भाई। क्या कहना चाहेंगे आज भाई? ये हक जीतना चाहिए बस। कौन जीतना चाहिए? धर्म सिंह चौकर है। क्यों जिता रहे हैं भाई साहब? काम करा भाई, बढ़िया काम करा भाई। अच्छा चलिए, फिलहाल देखिएगा आप देखोगे कि धर्म सिंह चौकर जी वहाँ पर, आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कृपया वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। धर्म सिंह चौकर जी आज यहाँ पर देखिएगा प्रोग्राम, सचिन पायलट जी आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं आज आने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी शायद आज आ सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं धर्म सिंह चौकर जी को लाइव तस्वीरों के माध्यम से, काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है और चारों तरफ जो है कैमरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक भीड़ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। क्या नाम हो गया जी आपका? पवन कुमार। आप कहाँ से आए हैं? हरदवाड़ा से। क्या कहना चाहेंगे चुनाव में, क्या असर रहेगा सचिन पायलट जी के आने से? बहुत असर है। असर रहेगा? बहुत ज़्यादा जी। क्या नाम होगा भाई का? निर्मेश त्यागी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा है इस बार चुनाव का? बनेगा एक नंबर। कौन एक भाई? धर्म सिंह बनेगा। धर्म सिंह जी बनेगा, पक्की बात बताएंगे? पक्की बात है। लेकिन दूसरे कैंडिडेट है वो भी रैलियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, काफी भीड़ जुटा रहे हैं जी। तो कैसा फिर, कैसे मान लेगी यही बनेगा? क्षेत्र में काम कर रखे है, काम करे हुए है और जनता अब वो समझदार हो गई है। समझदार हो गई है? पहले समझदार नहीं थी? नहीं, फर्क है, पढ़े लिखे आदमी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। चीजों को समझने लगे हैं, जमीन से जुड़े आ रहे हैं। तो फिर जीता रहे हैं फिर इस बार है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, जमीन से जुड़े आदमी है जी 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 जी। फिलहाल देखिएगा जो भीड़ की बात की जाए भाई साहब, दूर दूर तक जो है भारी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो है दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम होगा भाई का? बोलेंगे नहीं, आपका क्या नाम है भाई? दूर कर ले। कहाँ से? दूर कर ले, दूर कर लूँ। अच्छा कोई बात नहीं, क्या नाम होगा जी आपका? बापोली। नहीं नाम क्या है? राजेंद्र। राजेंद्र बापोली से आए हैं। अच्छा कैसा रहेगा इस बार चुनाव का माहौल भाई? धर्म सिंह का है, धर्म सिंह का जोर है। धर्म सिंह जी का है? हाँ। दूसरे कैंडिडेट भी तो रैलियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कितनी कर रहे हो इस पर? पब्लिक का 70% जोर इसी का ही है। इसका ही जोर है? हाँ। और सचिन पायलट जी भी आएंगे, असर होगा कुछ? हाँ इससे ज्यादा है, धर्म सिंह का ही अलग ना प्यार है।
प्यार है। हाँ, प्यार है। जी जी हाँ। अरे कोई आलो इसका धर्म सिंह का प्यार है सब रिपब्लिक ने। अच्छा हाँ, 1,00,000 वोटो जीत का हुआ यू। 1,00,000 वोट थोड़े नहीं होते, 1,00,000 वोटों से जिता रहे हैं। हाँ, 1,00,000 वोट तो जीतेगा, ऐसी बात थोड़ी है। किसने बताया 1,00,000 वोटों से जीते? हम कह रहे हैं, अंदाजा ला रहे हम। पक्की बात? पक्की बात है, अंदाजा लगा लिया। एक तरफा कटी, एक तरफा, एक तरफा। हाँ, अंदाजा भी लगा लिया। अंदाजा भी लगा लिया, पर कह रहे हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट है उनका क्या है फिर? उनका कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं बता। 10 साल पीछे बनाना बन गया था, 10 साल हमारे हल्के में उसका पत्थर दिखा दे कहीं लग गया होगा। आगे यूँ काम करवा हमने, कुछ नहीं करवा था इन्हें। दूसरों ने नहीं काम किया? कुछ नहीं किया। जी जी जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? राजवीर। कहाँ से हैं? बापोली। आप भी बापोली से हैं? क्या कहना चाहेंगे, आज सचिन पायलट जी आने वाले हैं, चुनाव कैसे देख रहे हैं? चुनाव एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा, कोई शक नहीं। ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल, ओरिजिनल माल, ओरिजिनल बिकाऊ माल नहीं है, बिकाऊ माल नहीं है। इसके बाप ने बुखड़ का बताया दिया था। हाँ, 10 साल लगा इसका बाप राज करके हमारे हल्के में। लोग आ जाए बुखड़ का आज तो। हाँ अच्छा, आप बता रहे हैं कि बिकाऊ माल नहीं है, तो बिकाऊ माल कहाँ है? ये बिकाऊ माल नहीं है जितना यहाँ रहा। अच्छा हाँ, ये बिकाऊ माल। तो बिकाऊ माल कहाँ है फिर? बिकाऊ माल बढ़ाने पे। बिकाऊ माल यू देसी की है। हाँ, डालडा नहीं है। हाँ, डालडा नहीं है ना, देसी की है। प्योर देसी है? प्योर देसी, नू लिखे हुए आता है। हाँ, आता है लिखे हुए हाथों से। अच्छा, उनको दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं जिताना चाहते हैं? कौन? हम नहीं जिताते, भूखन बताता है। हाँ, भूखन बताता है। दूसरा टो है निपंदा, खरीद का दिखावा। तो फिर धर्म सिंह जी को जिता रहे? धर्म सिंह जीत रहा कम से कम 50,000 वोटों से। 50,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत बड़ा आंकड़ा है 50,000 वोटों से। जी जी जी। अपना मेरा लग जा भाई, क्लियर खून होगा। अच्छा, ही है थोड़े भीड़ तो बहुत है, सारे हल्के की वोट आ रहे तो और किस है। अरे देखिए तो थोड़ी आध घंटा रुक जा बड़ा, चुनाव तेरा नहीं पता तने। देखता नहीं है तू, वहाँ बोली बनाना रैली है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं जानता कोई, ना कुछ नहीं जानता कोई भी। सारे यहाँ आ गए, सारे यहीं आ रही है। चलिए फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, समर्थक काफ़ी ज़्यादा धर्म सिंह जी के, सचिन पायलट जी के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।